नागरिकता संशोधन कानून CAA का समर्थन करने पर दमोह जिले की पथरिया से बसपा विधायक रमाबाई को बसपा सुप्रीमो मायावती ने रविवार को पार्टी से निलंबित कर दिया है। बसपा की ओर से कहा गया है कि पार्टी लाइन से बाहर जाकर रमाबाई ने अनुशासनहीनता की, उन्हें पार्टी के कार्यक्रमों में भाग लेने से भी रोक दिया गया है। कार्रवाई होते ही रमाबाई अपने बयान से पलट गई और माफी भी मांग ली। कांग्रेस ने इसे बसपा का अंदरूनी मामला बताया। CAA के समर्थन में विधायक रमाबाई ने बयान दिया था और बयान मीडिया में आते ही मायावती ने ट्वीट कर कहा कि बसपा अनुशासित पार्टी है, वैसे तोड़ने पर सांसद विधायकों के विरुद्ध भी तुरंत कार्रवाई की जाती है। बसपा विधायक रमाबाई को पार्टी से निलंबित किया गया है, उन पर पार्टी के कार्यक्रम में भाग लेने पर भी रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि बसपा ने सबसे पहले CAA को विभाजनकारी व असंवैधानिक बताकर इसका तीव्र विरोध किया, संसद में इसके विरुद्ध वोट दिया तथा इसकी वापसी को लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन भी दिया था। रमाबाई ने CAA का समर्थन किया, पहले भी उन्हें कई बार पार्टी लाइन पर चलने की चेतावनी दी जा चुकी है। वहीं कार्रवाई के बाद रमाबाई ने अपने बयान से पलटते हुए कहा कि उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। यदि बहन जी को लगता है कि मैंने उनका विरोध किया तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। मायावती मेरी अभिभावक हैं और अंतिम सांस तक मैं उनके साथ रहूंगी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।